अपने आप में आत्मचिंतन करते हुए लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्र भी हमारे सामने रखे हैं। उन 7 सूत्रों को मैं जरूर आपके सामने दोहराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सेवा भाव। और मुझे खुशी है कि कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, सारी पार्टियां क्वारंटाइन में चली गई, सारी पार्टियां आईसीयू में चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता थे जिन्होंने करोड़ों की सेवा की, सेवा ही संगठन के नाम पर, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन ये सेवा भाव हमारा जागृत रहना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए। हमें संतुलन बैठा करके काम करना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। अगर हमने परिवर्तन लाना है तो हमें अपने आप में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें समन्वय रख करके चलना चाहिए और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, संवेदना से भरी होनी चाहिए और संवाद हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये 7 मंत्र हमारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक रूप से उनकी पहचान है, कार्यकर्ता की पहचान है। हमारा कार्यकर्ता एरोगेंट नहीं हो सकता, हमारा कार्यकर्ता न सुनने वाला नहीं हो सकता, हमारा कार्यकर्ता सिर्फ अपनी बात रखे और चला जाए ये संभव नहीं है। मैं कई बार देखता हूं मीटिंग में आए, अपनी बात कही, अच्छा मैं चलता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को परिवर्तन का माध्यम बनना पड़ेगा और उसके लिए गहराई से इन 7 मंत्रों को अपने साथ आत्मसात करके चलना पड़ेगा। ये मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आज विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी तर्क को काट नहीं पाते। ये ठीक है, उनको बौखलाहट होती है, गुस्सा आता है, जिस तरीके की शब्दावली वो उपयोग करते हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो उनकी नीतियों को, वो जो अकाट्य है उसको कोई काट नहीं पाता। आज दुनिया में हम भारत नहीं, भारत अब दुनिया में एक स्थान लेकर के खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक शख्सियत लेकर के खड़े हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूं। 100 बार मोदी जी विदेश गए, 60 कंट्रियों का दौरा किया। अगर वो पैलेस्टाइन गए, अगर वो इसराइल गए तो पैलेस्टाइन भी गए, अगर वो कहीं और भी गए तो सारे देशों को कवर किया। 20-20 साल तक नेपाल नहीं गए थे हमारी सरकार, 20-20 साल तक हमारे पड़ोस में श्रीलंका नहीं गए हम। और आज अगर नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल की सरकार से पहले भारत सरकार मदद के लिए पहुंचती है, यह बदल कर दाव देखता है। आज अगर श्रीलंका में कोई आर्थिक तंगी आती है तो भारत दोनों हाथ फैला करके उनके मदद के लिए तैयार मिलता है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बोलूं तो आप देखिए, इससे पहले की G20 की बाली की बैठक में क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि यह युद्ध का वक्त नहीं है और इसको दुनिया ने सकारा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत की छवि किस तरीके से बनी है। और हम भाग्यशाली हैं कि वह नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बात करता हूं। अमेरिका का जब भी प्रेसिडेंट बात करते थे तो बोलते थे इंडिया एंड अमेरिका। यह राजनीतिक भाषा थी और यह राजनयिक भाषा थी, यह कूटनीति की भाषा थी। अगर रशिया बोलते थे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, India-Pakistan। अगर यूरोप का कोई देश आता था बोलता था यस इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी ये दोनों बराबर के देश हैं। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी इंडिया के साथ पाकिस्तान को नहीं जोड़ता, इंडिया इंडिया निकल गया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है।